शुभ काम से पहले मैगी जरूरी है। अगर पेट खराब है तो ये खाइए, तुरंत ठीक हो जाए। तो अभी आलू का सब्जी, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कपड़े में खाना कैसे खाऊंगी, तो यही तो चैलेंज है। मैं हाथों से ही खाती हूँ। The struggle is really real. Dosa flavor? Straw bhi nahi diya fruity mein. Train nahi hota to main haath se bhi kha leti. Ka mujhe tha intezaar. No, it's not good. हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। थंबनेल टाइटल एंड ग्लिम्प्स देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम खाने वाले हैं ट्रेन फूड फॉर 24 आवर्स, या फिर बोलो चुक चुक गाड़ी फूड फॉर 24 आवर्स। यस, बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग अगेन टू आगरा, सो दिस इज अ फैमिली ट्रिप। पापा को आगरा में काम है, बेसिकली हम लोग कबाब में हड्डी बन रहे पापा और दादी के। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा दैट आई एम वेरी मच एंजॉयिंग फैमिली टाइम दिस डेज अ लॉट। फैमिली इज प्रायोरिटी फॉर मी एंड आई फील लाइक जितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं उतना कम। एंड वेल, कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में। तो आज मेरी ट्रेन की ना जो प्रॉपर वाली ट्रेन जर्नी होती है ना, वो होने वाली है, राइट? जो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर सुबह नाश्ता करते हैं, फिर सुबह दोपहर होती है, फिर शाम होती है, तो 24 आवर्स आई एम गोना स्पेंड इन अ ट्रेन। सो द जर्नी इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड। आई होप यू आर एक्साइटेड टू जस्ट लाइक मी, एंड इफ यू आर देन मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक पैंग और एक कप्पा नूडल बेस्ट। ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आई पापा? नहीं, 24 आवर्स की सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करें। घुसते ही ना आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारी खाने की शॉप मिलेगी, जहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो दुकान है बहुत स्वीट भैया लोग हैं, उनके पास जाके मैगी और ये स्लज पी सकते हैं, टैंग टैंग पी सकते हैं। रसना ऑरेंज है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, थोड़ा डिफरेंट है मेरे को ऑरेंज फ्लेवर। मेरा बाल ऐसे क्यों हिल रहा है, हिल रहा है क्या? जो ऑरेंज फ्लेवर है थोड़ा डिफरेंट है मेरे को ऑरेंज नहीं, मेरे को मैंगो चाहिए था। बड़ा अच्छा है, सब बोलेगा पापा देखो मैंने बचाया है। पापा आप बोलो, आपको देखना ही पड़ेगा आपको। भैया बोले कौन है आप, वीडियो देखो स्टेशन पे होगा तो ऑब्वियसली इस आवाज को बियर करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इस मैगी का मैं टेस्ट क्या ही बताऊँ, नॉर्मली होगा। बट हम चैलेंज की शुरुआत इसी से कर रहे हैं, बिकॉज एनी जर्नी इज इनकम्प्लीट विदाउट नूडल्स। ऑल्सो माई रिलेटिव्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड, दादी इज सिटिंग इन द कार। फ्लाइट में जाती है मैगी खाती है, ट्रेन में जा रही है मैगी खा रही है, मतलब ये शुभ काम से पहले का मिठाई। मैगी इज अ शुभ काम, कोई भी शुभ काम नहीं, शुभ काम से पहले मैगी जरूरी है। फाइनली ट्रेन आ चुकी है और मैंने खाने वाला बैग जो है वो ले लिया है, एंड बिकॉज मेरा खाने का चैलेंज है तो मैंने खाने वाला बैग अपने साथ ले लिया है, सो दैट आई कैन ईट डिलीशियसली। मैं कह रही हूँ ना, ये साधु टाइप के आदमी जा रहे हैं ना, तो ये बैजनाथ धाम जा रहे हैं। कौन कहाँ पर है वो साधु टाइप के आदमी? उस प्लेटफॉर्म पे देखो। अच्छा, मेरी दादी का ये कंसर्न है हमेशा से, तब से वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के शी इज कंसर्न अबाउट दैट प्लेटफॉर्म। वहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं, वो कौन सी ट्रेन आ रही है वहाँ पर? आज तक आपको उस प्लेटफॉर्म में कोई ट्रेन नहीं दिखी ना? नहीं, लास्ट ट्रेन यही था। आंसर क्यों, व्हाई शी इज सो क्यूरियस? ये लास्ट ट्रेन होता था पहले, दादी लोग ट्रेवल करते थे, अभी वहाँ पे कुछ है तो दादी बोली हम लोग का लास्ट होता है, अभी वहाँ क्यों है? हाँ, जाके पूछ के आऊं? नहीं रहने, मतलब पूछ सकती थी। बस बस इसी कुछ बोलिए। So now comes the part for the second meal. Second meal, as usual, we'll be eating in the train. वो भी घर का खाना, and most importantly, my dadi is vegetarian. मैं काट रही, आप मत करो. She is vegetarian because सावन चल रहा है. खाओगे तो ठीक है, नहीं कल खाना. हाँ कल खाते, आज नहीं. रात को वैसे भी digest नहीं होगा. So आज देखते हैं हमारे पास dinner में क्या क्या है. के लिए surprise होगा. सब्जी. ओह ये दी है दादी. नींबू दी है. Salad के लिए दी है. नींबू
ओ ये दे दे चूरन है ना डाइजेस्ट करने के लिए, मेरी छोटी दादी का नुस्खा है अगर पेट खराब है तो ये खाइए तुरंत ठीक हो जाए। क्या है वो पूछ के बताऊंगी। पूरा किचन लेके आया है, किचन लेके आया है। हाँ दादी पूरा किचन लेके आई है। करेला कर तो अभी आलू का सब्जी, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, पनीर आलू और पूरी। आई थिंक दिस इज करेला, दिस इज द बेस्ट प्रेपरेशन विच माई फैमिली मेक्स, बट वी आर नॉट गोना ईट दिस बिकॉज एज पर दादीज इंस्ट्रक्शन वी गोना ईट दिस टुमारो। वी हैव गॉट सूखी आलू की सब्जी, व्हेन इन द ट्रेन जर्नी यू गोना ईट सूखा आलू का सब्जी बिकॉज गीली आलू की सब्जी में प्रॉब्लम हो जाएगा ग्रेवी का गिरने का, तो पनीर का सब्जी हो। थैंक्स टू छोटी दादी फॉर दिस, ये अच्छा लगा देख के। थोड़ा ही थोड़ा, मेरे को पनीर नहीं खाती हूँ। हैं? नहीं खाती? नहीं। ठीक है आप खाओ, हम लोग खा लेंगे उसमें से थोड़ा सा। And then we have good, delicious, delicious. फलका, फलका, फलका दो आपको रोटी। हाँ, फलका। दो? हाँ। दो रोटी, अभी फिलहाल दादी आपको सैलेड कर दूँ टमाटर? ना। हाँ, श्योर इतने ही खा लोगी? बस। मिठाई। You also have good. मिठाई। बात कर। जो हम लोग खाएंगे। Oh, there's काजू कतली, there is पेड़ा, there is सोन पापड़ी, there is इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोतीचूर, मोतीचूर बर्फी, क्या कहते हैं आपको कमेंट करके बताओ इसको क्या कहते हैं। दिस इज बेसिकली धनिया वाला आलू का सब्जी, सूखा धनिया वाला, जो मारवाड़ी स्टाइल होती है ना, राजस्थानी स्टाइल, ये मेरे ऑफिस में बनती है। आई लव दिस आलू की सब्जी। It's really good. So thankful to my dadi that she cooks such delicious food. When family is around, everything is delicious, delicious, delicious. I love aloo. Kitna acha banaya. Aloo ki sabzi is little subtle in taste, you know, sukha. But the paneer ka sabzi is very chatpata. अगर मेरी छोटी दादी ये वीडियो देख रही है ना, लव यू अलॉनी। यही ट्रेन का फायदा है खाना खाने का, ऐसे हिल लेगी ना। हाँ एकदम हिल लेगी। कैसे? हाँ उसको चढ़ दूंगा तो वो चढ़ पाएगी। चढ़ा देना, जगह भी नहीं है इसमें। मोगली हो, मोगली। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हुआ चादर की। Got this gift on my gripper provision and आज मैं इसको यूटिलाइज कर रही हूँ। Have a good night. ये वाला चादर। वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना। आप मेरे साथ कितने साल बाद ट्रैवल कर रहे हो? बचपन में आई थी। बचपन में कितनी छोटी थी मैं? वो भी तो 8-9 साल की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा मेरे को सीनरी दिखा रहे हैं, व्यू दिखा रहे हैं। वाओ। अभी तो खेती कट रही है। मैं वही खा लूं क्या पे? So, because the day has started, so I decided that I'll be taking all the meals as required. जैसे कि एक हम ट्रेन वाला खाने वाले हैं, एक हम स्टेशन पर उतर के खाने वाले हैं, और कल तो हमने जो खा लिया वो खा ही लिया। So, वैसे तो you know, this is how the journey happens with everyone, with peace, with love. So, she is doing savan as I told you last night, but she is eating vegetarian. But I will not be eating vegetarian. So yes, here I have taken the simple breakfast which the train people were serving, and this is simply bread without butter, but no worries, they have taken 50 rupees only for this one omelette over this. Let's drizzle. No, it's not good. It's very super. It's so hard. Actually, I don't eat bread because there is no makhan in it. No makhan in it. However, the omelette is very subtle.
दिस इज द फायदा ऑफ बीइंग नॉन वेजिटेरियन, यू कैन ऑल्सो ईट द वेजिटेरियन वर्जन. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द वेज कटलेट. ये बेसिकली आलू एंड देयर इज लिटिल बिट ऑफ बीन्स इनसाइड, यू नो, ऊपर पैन को क्रस्ट से फ्राई किया हुआ है, विच इज लाइक लिटिल सॉगी. टेस्टी है, फ्लेवरफुल है, मसालेदार है. पीछे कितना धूप है यार. हाँ, सो अभी फिलहाल वी आर दीनदयाल. नोटिस करो एक बार, कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू. कोलकाता में लास्ट 7 दिन से खाली बारिश हो रहा है. आगरा में भी सुनने में आया कि बारिश हो रहा है, लेकिन हम लोग का कदम पड़ते ही आगरा में धूप धूप धूप. जब चेरापूंजी को हम लोग बारिश बंद करा सकते हैं तो ये आगरा चीज है. तो अभी हम लोग उतरे थे मुगल सराय ना, इसको कहते हैं, नाम चेंज हो गया. सब चीज चेंज, अभी कुछ नहीं मिलेगा. पहले पापा मुगल सराय से मेरे को बिरयानी खिलाते थे हमेशा. दिस इज द वन स्टॉप जहाँ पे सबसे ज्यादा देर एक्चुअली ट्रेन रुकती है, हॉल्ट लेती है. बट आई दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म होता तो वी शुड हैव वेट. सेंट्रल है, वहाँ पे भी 10-15 मिनट का हॉल्ट है. वहाँ पे बहुत कुछ मतलब 5 मिनट का बता रहा हूँ यार. मैं आगरा अभी तक पहुँची नहीं, मेरा जॉलाइन खत्म हो रहा है. मुगल सराय में तो मिला नहीं. सो अभी द थिंग इज दैट ऑन ट्रेन इफ आई वांट टू हैव फूड एंड आई हैव टू ऑर्डर नाउ बिफोर 1:40 1:50. सो आई विल बी ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस प्लेस. लेट्स सी हाउ दिस, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल खाया हुआ है हमेशा ही. यहाँ कुछ डिफरेंट है, दैट टू चाइनीज. आई एम विलिंग टू ईट चाइनीज फूड. अभी नहीं देगा, बाद में देगा, ऑर्डर भी करना पड़ेगा. 3 बजे देगा. 3 बजे देगा. कौन से स्टेशन? कानपुर. कानपुर बड़ा स्टेशन है, जो भी बड़ा स्टेशन उसी में देता है. तो दूसरा फ्लेवर स्निकर्स खाएगा बिट्टू. स्निकर्स दे दीजिए ना, स्निकर्स. द स्ट्रगल इज रियली रियल. आई हैव मेड अ स्मॉल सेक्शन फॉर माई सेल्फ, माई लैपटॉप बैग, माई फूड, माई वाटर, माई फोन, माई पिलो, एवरीथिंग. सो इधर छोटा सा एक मेरा घर बन चुका है. सो आई जस्ट लाइट डाउन और करने को कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल. फाइनली आई एम बैक टू माई कोकून. This is my small room, जिसको मैंने सफा नहीं किया बिकॉज मम्मी नहीं है. बट आई विल डू इट वेट, क्योंकि मेरे को खाना खाना है अभी. तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, मैं यही सोच रही हूँ बैठ के. तो अभी मैंने दादी को पापा को खीरा, टमाटर और एप्पल खिलाया है. मैं एक टिप्पणी बोलेंगे सजेशन देना चाहती हूँ, वाइल ट्रैवलिंग डू नॉट कैरी एप्पल, टमाटर एंड खीरा, बिकॉज वो काट उसको पील ऑफ. एंड दिस पीपल ईट विदाउट द पील, विदाउट द छिलका. उसको छिलका को पील ऑफ करने में बहुत मेहनत लगता है. बिट्टू बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज खाना का शूट अच्छे से हो नहीं रहा, तो बिट्टू बोल रहा है इसके लिए तो फर्स्ट क्लास आना चाहिए. बट दिस इज द रियल स्ट्रगल, यही तो चैलेंज है. सो फॉर द फूड हियर, आई थिंक दिस इज 150 रुपीज और अप्रॉक्स. यहाँ पर मैंने नॉनवेज थाली लिया हुआ है, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट. Okay, we have got dal, looks tempting. Aloo ki sabzi, chicken curry, rice. Then we have got pickle packet mein. Oh, I remember eating this pickle bachpan mein, mango pickle, gulab jamun, salad. Wherein we have got gajar and kheera. And not to forget, we have got roti. It's not roti, it's paratha. Let's try it with the aloo ka sabzi first. So basically this is mixed aloo ka sabzi. Gajar hai, beem hai, there is capsicum as well. And definitely there's aloo, which I love. Oh, parwal hai, parwal. Parwal? Nahi, parwal nahi hai. And there's aloo, which I love. When I was very small, then I have had food, train from. The food is good. Paratha is also good. The quality is improved. This is train ka canteen ka khana. Pantry, canteen, it's all the same. Chicken curry मेरे को काफी अच्छा लग रहा है. It's very nice. आप देखो, it's loaded with onion and you know curry patta दिया हुआ है. I think it's going to be a different style of preparation. Little salty, but South Indian taste आ रहा है. Curry patta के वजह से जायका बहुत अच्छा है. Hello, paratha यार. Let's try dal chawal. What dal is this? Pata nahi, but chhoka hua to bahut acha lag raha hai. Lal mirch and all. Chawal thode mote mote chawal hai. Agar kaani chawal hota to bahut maza aata. But
पर ठीक है 150 में लूटेंगे क्या? Price is not good. Price is too hard to even chew and swallow. I really love them. Chicken curry, you know. But the pieces are not that great. It's bone pieces. Hardly can see some chicken. Okay. मैं हाथों से ही खाती हूँ. इतना मेरे से नहीं हो रहा है. Cheers to घर जैसा खाना in train after ages. Sorry, जिनका भी सावन चल रहा है मैं भी सावन में करूंगी, बस मंडे मंडे नहीं खाऊंगी. चैलेंज देख रहे हो, गाड़ी भी जर्क कर रहा है, डुब डुब. भैया इज गिविंग मी हग एंड एग्रो का मनिया गोल्ड एंड स्ट्रॉबेरी नहीं है. आई थॉट ऑफ फ्रूटी जो बचपन में वी यूज्ड टू ड्रिंक, बट पार्ले का, पार्ले एग्रो का कॉफी है. सुनिए ना भैया, वो जो फ्रूटी वाले भैया है ना, उनको बोलिए ना स्ट्रॉ देने के लिए. पिएगा कैसे? स्ट्रॉबेरी नहीं पिएगा कैसे? मुंह से पी छेद कर. शट अप, तो लेट्स ड्रिंक कोल्ड. चाउमीन चम्मच से थोड़ी ना खाएंगे, काटा चम्मच. सो बिकॉज अब बज गए 4:30, सो वी विल बी ईटिंग वेज चाउमीन. ये मेरा जब से सो रही थी ना तब से मेरे को खाने का मन कर रहा था, वो बंदा बोले जा रहा था चाउमीन 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 वेज चाउमीन. मैं नींद में भी था कि वो शिट अभी नींद खराब करूँ या खाऊं, बट ठीक है. आई थिंक मेरे पेट को बहुत ज़्यादा इच्छा थी बोल के ये वापस आ गया, मैंने ले लिया. बाय द वे हम लोग अभी पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, जो हमने 1 बजे से पहले ऑर्डर किया था वो अभी हम कानपुर से रिसीव करेंगे. इन द मीनवाइल हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं चाउमीन नहीं खाऊँ? इट्स माई फेवरेट नूडल्स. So this looks good, like quite basic, decent. Gajar, bandha gobi aur beans vagera dal ke banaya hua hai. But yehi hai ki they should have given us fork, kyunki ye ab dekho chamach se to uth nahi raha hai. But theek hai, ab isko main haath se to kha nahi sakti. Train nahi hota to main haath se bhi kha leti. Inke har khane mein namak bahut tez hai. कैंटीन वालों से उतरने से पहले ना मैं कैंटीन वालों से बात करूंगी, पूछूंगी भैया आप लोगों का बीपी हाई है क्या? सब्जी बहुत ज्यादा भरा हुआ है. चम्मच बनाया अच्छा है लेकिन नमक से हल्का तेज है, अदरवाइज बनाया बहुत अच्छा है. सो वी हैव रीच्ड द कानपुर स्टेशन. Now tick tick on, tick tick 2, tick tick 3, we will wait for the pizza to come. अगर आज नहीं आया तो ट्विट इज रेडी. यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, स्टेशन पे भी नहीं दिख रहा है. यहाँ नहीं तो देख आया कहाँ है पूरा. A few moments later, जिसका मुझे था इंतजार वो है आ गया, आ गया. Thank you भैया, God bless you. Yay! भाई शांति, मिला. I am so happy. I am so happy. आज मेरी दादी के सामने मेरा पोपट हो जाएगा. दादी बोली ट्रेन में खाना दे देते हैं, हाँ दे देते, पिज्जा आ जाएगा, सब आ जाएगा. सो वी हैव ऑर्डर्ड वेज पिज्जा हियर. सो बिटू भैया ने इसको ऑर्डर किया बेसिकली IRCTC के ऐप से, जो ऑप्शंस दे रहा था उसमें से हमने इसमें ऑर्डर किया है. दिस इज वी हैव ऑर्डर्ड महाराजा वेज चीज बर्स्ट पिज्जा. आई हैव पेड 681 rupees अप्रॉक्स फॉर दिस. सो वी हैव गॉट चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, फलाना ढिमकाना एंड ऑल स्टफ. लेट्स चीज बर्स्ट. चीज बर्स्ट रहा नहीं क्योंकि ये ठंडा हो चुका है. सो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है बिकॉज पिज्जा ठंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो मेबी गाड़ी लेट है ना, मेबी गाड़ी लेट है, वो बहुत देर से पिज्जा लेके खड़ा होगा इसीलिए. बट आई वुड सजेस्ट कि आप घर से खाना ले आना. और मैं सुबह बोल रही थी ना कि एप्पल और खीरा और टमाटर मत लाना, आप वही ले आना, वही लेके खा लेना बिकॉज ये पूरा ही
ठंडा हो चुका, और इस ट्रेन की कोई मतलब इस ट्रेन का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। अभी एक घंटा ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं, आगे चल के और कितना लेट होगा पता नहीं। बट हियर लेट्स चीज टू पिज़्ज़ा, बट टेस्ट इज गुड, टेस्ट इज वेरी गुड, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सो देयर वी हैव गॉट बेल पेपर, कॉर्न, ऑलिव, चंक्स ऑफ पनीर, इट्स सुपर डिलीशियस, एंड चीज बर्ज का फील बिल्कुल नहीं आ रहा है। बट हाउ एवर द क्रस्ट इज वेरी सॉफ्ट, इट्स नॉट दैट क्रिस्पी एंड डोई, इट्स टेस्टिंग गुड। इनफैक्ट द क्रस्ट इज ऑल्सो फ्लेवरफुल, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बोला हुआ है, ओवन स्टोरी का क्रस्ट जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज इनके क्रस्ट में एक अलग जायका रहता है। बट ये गर्म होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। People around me are like, this girl is eating since last day. She's just eating. Whatever it's coming, she's eating and eating and eating. तो खाना खाके भी थक गई हूँ, सो के भी थक गई हूँ. Train is 2 hours late. I just want to reach the destination. Bittu, भूख लग रहा है.